तो देखिएगा ये लौंडे कितनी मेहनत से चला रहे हैं हैंडपंप को, पर रियलिटी क्या है। तो हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हमारा तीसरा दिन, और सुबह सुबह उठ के हमने चाय आई पी ली, 5 बजे उठ गए थे हम आज। तो फिर अभी थोड़ा खेतों में गए कुछ काम करने के लिए, एक छोटी हुई गाय आ गई तो उसको भगाने के लिए गए हैं। फिलहाल आपको मैं अपने गांव का व्यू बताता हूँ। तो सामने जो जंगल है वो हमारा पड़ोसी गांव बजवाड़ का जंगल है, वहाँ से हम बांस जांच लेके आते हैं। और सामने हमारे गांव की दूसरी बाकली है, कुबडैर बाकली कहते हैं। और यहाँ से हमारा होता है, यहाँ से मस्त सनराइज हो रहा है। दगड़ियों, इधर हमारा एक दूसरा घर है, इसी कमरे में रहता हूँ मैं। जब मैं 12th में था तो तब से इसी कमरे में हूँ। और आगे है हमारे यहाँ का प्राइमरी स्कूल, यहीं मेरी बहन ने पढ़ा था 8वीं तक, अब दूसरे स्कूल में चली गई। खैर, मैं तो शिशु मंदिर में पढ़ा था। इधर देखिए, ज़रा व्यू देखिएगा इस व्यू, एक गाँव के फ्रंट पे है हमारा एक बड़ा सा पहाड़। दोस्तों, नहा धो के हो चुके हम रेडी, और फिर मैं मम्मी को कह के मैं मंदिर में होके आता हूँ, थोड़ा दर्शन करके आता हूँ। फिर यहाँ से मैं ऊपर से तुम्हें गांव का व्यू बताता हूँ। फाइनली गाइस, मंदिर में पहुँच चुके हम अपने। गाइस, पूजा कर लिए समाप्त, तो फिलहाल मैं तुमको व्यू बताता हूँ, उसके बाद चलते हैं। और इधर है गाइस, इधर हमारा गांव, ये हमारे गांव का ऊपर का व्यू देख सकते हैं आप। और सामने हमारा घर है, ये घर इधर है, और मेरा वाला घर हो मतलब जहाँ मैं रहता हूँ पीछे, इधर तावर का घर है। तो ये हमारे गाँव के ऊपर से व्यू है, और पास में हमारा पड़ोसी गांव। और उधर मैंने कल बताया था ना कि वो अपने मेरी ससुर का स्कूल है। अरे पूरा ये देखो, नेचर के बीच में बसा है हमारा गांव। इधर हमारे गांव का जंगल है, और इधर है वो मंदिर जहाँ पे मैं पूजा कर रहा था। ये पानी की टंकी है हमारे गांव की, दो बचपन में इसमें खेला करते थे हम। देखते हैं पूरा व्यू कितना नेचर से भरा पड़ा हमारा पहाड़। गाइस, अभी हम जा रहे हैं मुँह के घर। अचानक से प्लान बना, तो मम्मी ने कहा नाना को मिल के आ जा, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। हिम्मू और मैं जाएंगे यहाँ से। फिर दगड़ियों, हिम्मू का घर से होके आ गए, और हिम्मू और मैं हो गए रेडी। अब हमने जाने मामू गाँव सहरसों। तो दगड़ियों, पहुँच चुके हैं अपने मामू गाँव के नीचे स्टेशन पे, यहाँ पे पार्किंग है।
और रविंदर भाई ने गाड़ी पार्क कर ली और अब हिम्मत के साथ हम जा रहे हैं अपनी नाना को मिलने। और यहाँ पे धारे का पानी बता रहे हैं तुमको, शुद्ध पानी और शुद्ध कैंट देता है, सबसे शुद्ध पानी, पर कैंट से शुद्ध पानी हमारा है, धारे का पानी देता है। और देखो और हिम्मू भाई अपना धारे का शुद्ध कैंट से भी शुद्ध पानी बिल्कुल प्योर। थोड़े पहुँचने वाले हम मामू गाँव पे, तो बहुत बचपन गुजरा है यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे हम। इधर है मेरे नानी का घर। भूमि नमस्कार। नमस्ते। और कर सकते हमारी नानी तो तुम तो फेमस करना और फेमस विवेक चौमिन सेंटर पे हमारे विवेक भाई के हाथ की चौमिन जरूर खाइए एक बार। विक्की भाई के स्वाद, हाथ में जो स्वाद है ना विक्की भाई, में चौमिन का रेट बताएंगे विक्की भाई। 25 रुपए आप 50 रुपए। और अभी विक्की भाई के दुकान पे चौमिन खा रहे हैं, उसके बहुत है पार्टनर। उसके बाद चलेंगे हम हिम्मू के घर, और फिर हिम्मू के घर जाने के बाद ऐसे को तैयार करके मेरे घर चलेंगे। भाई हमारा सौरभ नेगी आ चुका है यहाँ पे, एकदम से आ गया आज चौमिन। गाइस हम इससे घर जाने वाले थे ना, गाइस बताना सरप्राइज अटैक होने वाला था, लेकिन अब हम देखो चौमिन पैक करा खाना से। तो देखिए गाइस ये लौंडे कितनी मेहनत से चला रहे हैं हैंडपंप को, पर रियलिटी क्या है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं शादी में, तो सन्नी के भाई की शादी है, तो अभी जा रहे हैं हम और आपको दिखाएंगे वहां का व्यू। तुम्हारा भाई काली, दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। वो सीढ़ी का ब्लॉग खराब है। सो ये दगड़ियों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में, और अभी हम जा रहे हैं सत्या भाई की शादी में, सन्नी के भाई की शादी में। देखो आज हमारे साथ कौन है, हमारे तो आज हमारे पूरा ग्रुप हमारे साथ है, काला 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 और स्पेशल हमारा काली स्नेगी और हमारे हिम्मू। ये है हमारा होम टूर का पार्ट 3, तो स्पेशल होने वाला क्योंकि हमारे सारे दोगड़े हमारे साथ हैं, और आज मजे होने वाले हैं फुल। समझ रहे हो आप। थोड़े से उधार बोलना मैं चाहता हूँ दिल से तुमको यार। भाई स्पेशल गुस्सा आ रहा है कल्ला पे, कल्ला मतलब राहुल पे, क्योंकि आया नहीं वो भाई, उसका इतना प्लान था ना, उसकी बाइक आई ना वो आया। सौरभ की समझे नहीं यो तो तुम आसम दे जरे सिमन समझे नहीं बोलो जा तुम आसम अंडर 20 रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तुम आसाम इंजीनियर भाई कपल गांव के नीचे पहुंच के हमारे सौरभ भाई को मिल गई उनकी समझनी, भले हीरा समझनी। तो गाइस यहां पे हमारे लोन का शुरू हो गया। तो गाइस यहाँ पे हिम्मू की आर्मी की ट्रेनिंग के कुछ करतब दिखा रहे हैं। और तो गाइस हैंडली गांव के ऊपर पहुंच गए हम, और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी हमारे लिए हिम्मू, बारिश शुरू हो गई थी और हमारे दौड़ दौड़ के आज हमारी 5 किलोमीटर रन पूरा हो चुका है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हम शादी वाले घर में, और अभी थोड़ा बैठे हैं, थकान लग गई थी तो नीचे पहुंच ही गए हम बस जस्ट शादी में। अंधेरा पूरा अंधेरा हो चुका है, हमने सोचा कि थोड़ा अंधेरे में जाएंगे क्योंकि जल्दी जाना दोस्तों के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। और ये हमारे दोनों झांजी गाइस, हम बहुत शरीफ हैं, तो हमको भाई मेरा सपना है ब्लॉग बनाने का, एक ब्लॉगर का।
ये तो आप सबका प्यार है गाइस, और यहाँ पे अंधेरे हो चुके तो आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सन्नी भाई के घर में, सन्नी भाई के घर में बहुत पता नहीं कितने साल बाद मिल रहे हैं। बहुत बार बताया सन्नी भाई को उनके काली उधर अपने बॉबी भाई स्वागत है भाई, बॉबी की जीरे से अपने भाई पहुंचे घर में। महाकाल की जय, लाइक सब्सक्राइब बोलो जुबा के। हम फाइनली पहुंच गए, कोई बात नहीं, हम चाय पीते हैं जी। बोलो वो अभी आ रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे बैंड वाले आ चुके हैं और हमारे बैंड वाले हैं विनोद बैंड एंड विनोद बैंड। और गाइस हमारे मुन्नू नाना भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो अभी जैसे घर में पहुंचे तो सन्नी भाई ने हमें काम पे लगा दिया। भाई और अपना पंकु भी पहुंच चुका है पर। भाई 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 ओ नरो भाई, हमारे भाई ब्लूटूथ लगा है भाई, हमारे लाल। तो गाइस हम अभी आ चुके हैं चाय पीने का इनविटेशन आ गया था, तो चाय पीने से मैं नहीं पहने उसमें। काली तो काली भाई तो अपना अलग ही एटीट्यूड में, काली अपना अलग ही एटीट्यूड में, भूख लग गई तो उसी सीरियस से चाय पीने आ गए। काली भाई अपना बहुत सीरियस हो चुका है गाइस, क्योंकि काली भाई के एक्स आ रहे हैं यहां। गाइस 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 बॉबी भाई अपने बॉबी भाई हैं। अरे रुक जा, थोड़ा देर रुक ना, बॉबी भाई का सर्विस करना सी। बॉबी भाई दबा के लाइक एंड व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, दबा के लाइक एंड। तो गाइस बॉबी भाई व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि काम में बिजी हैं। तो ये सूट आपको उनके व्लॉग में मिल सकते हैं। गाइस डांस वांस करके हमारी आवाज खराब हो चुकी है, रमम जा रहे सोने के लिए। तो आज का ब्लॉग एंड यहीं पे करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।